आप समुद्र के उस पार थे, इसीलिए आप आमंत्रित आप आए हैं, तो आपका यहाँ पे स्वागत है। मैं राजा जनक आपका स्वागत कर रहा हूँ। जनक, ये चिकनी पार्टों में इन राजा महाराजा को हरा, लंकेश को नहीं, तुम अच्छी तरह जानते हो कि ये जो धनुष पड़ा है ना, वो हमारे पूजे शिव जी का है। और किसी की नहीं, तुम्हें इन राजाओं महाराजाओं एक एक राजा उठा के दिखलाए तो हम आज देखें। अरे शुक्र बना, आज इस स्वयंवर में लंकेश आ गया है। कोई बात नहीं महामंत्री, फोन कहीं मत। तो इस धनुष को हम किस तरह उठाते हैं? हे लंकेश पति राजा रावण, आपकी लंका किसी ने जला दी है, जाओ आपकी लंका का रक्षा करो। बोलो सियावर रामचंद्र बाबा, हमारा ये संकल्प पूरा हुआ। आइए आसन ग्रहण कीजिए। आइए ये मेरे शिव जी का धनुष जो तोड़ा है, जिसने भी तोड़ा हो उसे मेरे सामने उपस्थित करो, वरना आपके दरबार में कोई भी जिंदा नहीं रह पाएगा। परशुराम जी, आप क्रोध मत हो दिए, आप पहले हमारी पूरी बात सुन लीजिए, इसके बाद क्रोध कीजिए। और ये शिव जी धनुष हमारी बेटी जानकी ने उठाया था, तभी मैंने ये प्रतिज्ञा ली थी कि ये जो शिव जी धनुष तोड़ेगा उसी से हमारी बेटी का ब्याह होगा, इसलिए मैं ही आपका अपराधी हूँ। जो भी सजा देनी है आप मुझे दीजिए, किसी पे क्रोध मत कीजिए। ये कोई प्रतिज्ञा लेने की चीज है? ये कोई कोई खोना है? ये हमारे लिए परम पूज्य है। आप ये कैसे सोच सकते हैं कि परशुराम इस चीज का अपराध का तुम्हें दंड नहीं देगा? परशुराम क्रोध शांत कीजिए, अपने क्रोध को काबू में रखो।
खुशी है ना। आवाज जब तो पर बात कर रहे हो पीक पे छोटों को बुलाने का कहे और आगे से मिस तूने बोला है तो मैं सामने प्रस्तुत करो और नाम पृथ्वी को नाम में मेरा नाम आप मुनिवार हम क्षत्रिय हैं क्षत्रिय बचपन में ऐसे धनुष तो कहीं तोड़ चुके हैं नहीं ये धनुष की बात तो ये धनुष हमने ही तोड़ा है। बालक तुमने परशुराम के गुस्से का अंदाज नहीं है। परशुराम ने किस बार इस पृथ्वी को क्षत्रिय नहीं दिया है। हे मुनिवर हे ब्रह्म ज्ञानी हे प्रभु आप तो जित नहीं है आप तो बस ही है इस संसार के अंदर न जाने कितने कष्ट को आपने दूर किया है। ये जो ब्रह्म भगवान महादेव के आपके आराध्य रूप है उनका धनुष मेरा आशीष हुआ है मैं इसका गुनाहगार हूँ। आपको जो भी सजा देनी होगी आप मुझे दीजिए मैं आपके सामने अपना प्रायश्चित करने के लिए खड़ा हूँ। हे मुनिवर अपना क्रोध शांत कीजिए और मुझ पर प्रहार कीजिए ताकि आपका परम पूरा हो सके। तुम पहले रात वाले मुख से मोदी चपक रहे हैं पर ये नादान भारत कौन है इसे परशुराम की गुस्से का अंदाजा नहीं है परशुराम की ताकत का अंदाजा नहीं है देश में बोल बोल से परशुराम के गुस्से कौन बोल रहा है। हे मुनिवर ये तो आपके समय बालक ही है मैं जान रेश महाराज दशरथ का पुत्र हूँ पर इस बालक ने नादानी वर्ष मेरे गुरु का अपमान किया है यह साधारण धनुष नहीं है हमारा परम गुरु शिव जी का धनुष है इसको तोड़ना जाने शिव जी का अपमान है और परशुराम उस अपमान को सहन नहीं कर सकता है। भगवान परशुराम जी हम जानते हैं आपकी भावनाओं को ठेस होती है प्रभु भोलेनाथ का धनुष आपके सामने टूटा है लेकिन आप एक बार अपने गुस्से को त्याग दीजिए और जो आपके सामने खड़े हैं ये कोई साधारण बालक नहीं है अपनी आंखें खोलिए और अंतरात्मा से इनके सामने देखिए क्या लगता है ये कोई साधारण बालक है। अगर शिव जी का धनुष इन्होंने तोड़ा है तो ये कोई साधारण मनुष्य हो ही नहीं सकते आप इतना तो सोचिए परशुराम जी। मुनिवार चाहे कोई भी हो जिसने अपराध किया है उसको दंड अवश्य मिलेगा अगर ये धनुष इन्होंने तोड़ा है तो उसको मेरे सामने उपस्थित करो और ये मानने के लिए तैयार हो जाए। जो आगे मुनिवार अगर आपका क्रोध मुझे सहार करने से मिलता है आपका क्रोध मेरे पर अस्त्र चलाने से मिलता है आप शक्तियों से दास ये पृथ्वी के ऊपर और शक्ति भी करना चाहते हैं तो आप अपने मन की इच्छा को पूर्ण करिए ये राम आपके समुद्र नतमस्तक खड़ा है जो आपको वार करना हो आप करिए। राम तुमने मेरे शिव जी का धनुष तोड़ा है मेरे गुरुदेव का धनुष को तोड़ा है मेरा पर्सा आज चल क्यों रहा है राम के सीने में ये पांव की निशान कैसे मेरे गुरुदेव ने कहा है त्रेता युग में भगवान श्री राम विष्णु के अवतार में आए हैं क्या ये वही राम तो नहीं है अगर ये वही राम है राम कहो मुनिवर आपकी क्या आज्ञा है। इस धनुष में अपना भान चलाइए और ये बताइए आप वही राम हैं। रामचंद्र की प्रभु हे परशुराम आपके रहते हुए परशुराम का यहाँ कोई काम नहीं है जहाँ राम है वहीं परशुराम है आप मुझे बताएं आगे की जिंदगी में कैसे हे परशुराम आपने इतने